वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज मैं कराऊंगा आपको जीके का पार्ट 10। मैं आज आपको पार्ट 10 कराऊंगा जो हमारी बेस्ट 300 की ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो सीरीज है उसका मैं आपको बेस्ट 300 का पार्ट 10 कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज द वर्क ऑफ हुम अमंग द फॉलोइंग। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जो एक प्रकार से बुक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो किसने लिखी है कुल मिला के, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो किसने लिखी है, जो हमारे फर्स्ट पीएम है, जो हमारे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया है जो है उन्होंने लिखी है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर। इन्होंने क्या किया था बच्चों, जब इनको ये जेल में थे 1942 से लेके 1945 तक ये जेल में थे, अंग्रेजों ने इनको जेल में बंद कर दिया था। तो अहमदनगर फोर्ट है एक महाराष्ट्र में, वहाँ पे इन्होंने ये किताब लिखी थी। ठीक है, महाराष्ट्र में है अहमदनगर फोर्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज इंडिया नेशनल सॉन्ग पब्लिश्ड। जो भारत का नेशनल सॉन्ग है जो वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले बता दूँ भारत का नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। ये आपको पता होना चाहिए वंदे मातरम क्या है, हमारा नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, दूसरा ये लिखा किसने है, ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किन्होंने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्लियर, चटर्जी ने लिखा, या इनको चटर्जी को चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, चट्टोपाध्याय या चट्टो PADHAYAI चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, कोलकाता। ठीक है, और अब सब क्वेश्चन ये है कि ये जो जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, एक ये कहाँ से, किस जो नोवेल है, किस नोवेल से लिया गया है। तो ये क्या है, ये आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है, आनंद मठ। आनंद मठ क्या है, नोवेल है। ठीक है, और नोवेल से लिया गया है। ठीक है, तो सही जवाब इस क्वेश्चन क्या है, आनंद मठ। नेक्स्ट चलिए, हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल टू बी अवार्डेड भारत रत्न पोस्टूमसली। इस क्वेश्चन को, इस वर्ड को जानना है, पोस्टूमसली का मतलब होता है मृत्यु के बाद। ठीक है, मरणोपरांत मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ। तो वह इंडिविजुअल मीन्स अकेला व्यक्ति कौन था, इंडिविजुअल। एक तो भारत रत्न मिलता है ग्रुप में, ठीक है, दो बंदों को मिल गया, तीन बंदों को मिल गया, और एक मिलता है अकेले बंदे को, ठीक है, सिंगल को। क्लियर। दूसरी बात है, ये आपको इनको इनकी मृत्यु के बाद दिया गया था इनको। तो कौन है वो, वो हमारे हैं सेकंड पीएम ऑफ इंडिया। सेकंड, फर्स्ट पीएम तो आपको बता दिया मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड पीएम कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर, लाल बहादुर शास्त्री को मिला था ये। अब बाकी तो देखा जाए तो इनको भी मिला है, सीवी रमन को मिला है, राजगोपालाचारी को मिला है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट नोवेल किसको मिला, तो इन तीनों को मिला था, इन तीनों को पहला नोवेल दिया, नोवेल कह रहा हूँ सॉरी, भारत रत्न मिला था, फर्स्ट भारत रत्न इन तीनों को मिला था। भारत रत्न क्या है बच्चों, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी ध्यान रखना आप, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, ये भारत की सेवा, देश की सेवा करने के लिए दिया जाता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री को ये मिला था अकेले, इंडिविजुअल फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, सेकंड पीएम। इनके बारे में एक बात और बता दूँ, इनकी ताशकंद उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान देश है, उसकी राजधानी ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में बहुत सारे, अगर देखा जाए तो बहुत सारी बातें प्रचलित है, आज तक इनका ये नहीं पता चला इनकी मृत्यु हुई कैसे थी, इनको वहाँ पे मारा गया था या इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी। इनके बारे में एक ताशकंद फाइल भी मूवी आई थी, ताशकंद फाइल्स एक मूवी आई थी, इसके बारे में इनमें पूरी डिटेल से बताया गया है कि कैसे इनकी मृत्यु हुई थी या क्या हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये बुक है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह के बारे में है किताब, लेकिन इसका ऑथर कौन है, संजय बारू। क्लियर, संजय बारू इसके ऑथर हैं। सही जवाब इसका क्या है, संजय बारू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज रविंद्रनाथ टैगोर अवार्डेड नोबेल प्राइज, किस वर्क के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था? ठीक है, तो किसके लिए मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को? वो है गीतांजलि। गीतांजलि क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज मिली बंगाल, मतलब एक प्रकार से देखा है। अब इनके बारे में और देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर कौन है, ये क्या है? बंगाली पोएट। क्लियर, तो गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पुष्कर मेला इज हेल्ड, पुष्कर मेला इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या? जयपुर। पंजाब की क्या? चंडीगढ़। हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल। और गुजरात की क्या है? गांधी, गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ की है? गुजरात की। ठीक है, एक बात और, जो ये पुष्कर मेला है ये पुष्कर नगरी में लगता है। पुष्कर नगरी, पुष्कर नगरी कहाँ पे है? ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पास है, बिल्कुल अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है पुष्कर नगरी। ठीक है, बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो ये यहाँ पे होता है कैमल्स, जो कैमल्स जो ऊँट होते हैं वहाँ पे, इसी मेले के अंदर, वैसे तो सारे में भाई कोई भी मेला हो उसके अंदर झूले भी होते हैं, खिलौने भी होते हैं, कपड़े वपड़े भी बेचे जाते हैं, लेकिन इनके अंदर ये जो पशुओं का मेला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमल्स की रेस होती है, कैमल्स की खरीदना बेचना होता है, ये सब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द ऑगमेंटेटिव इंडियन? ये किताब है ऑगमेंटेटिव इंडियन, इसका ऑथर कौन है? अमृत सेन। ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्री। इनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। और इनका कहाँ, ये कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, लेकिन अब ये वहाँ से शिफ्ट हो गया, अब यूनाइटेड किंगडम लंदन में रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और किस लिए मिला था इनको? वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इनको, मतलब इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में ऐसी बातें बताई थी जिससे समाज का भला हो, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दादा साहब फाल्के अवार्ड एसोसिएटेड विद, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड किस से संबंधित है? तो किस से संबंधित है ये बच्चों? है सिनेमा से, सिनेमा से संबंधित है, फिल्म जगत से। ठीक है, भारतीय फिल्म जगत से संबंधित है। इस क्षेत्र में दिया जाता है, जो सबसे अच्छी फिल्म बनाता है साल में उसको दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस, क्यों उसको दादा साहब फाल्के अवार्ड कहता है? क्योंकि जो इसकी स्थापना है, जो जिन्होंने भारत में पहली फिल्म बनाई, पहली फिल्म कौन सी थी? साइलेंट फिल्म, ये बता दूं मैं आपको। पहली जो साइलेंट मूवी बनी थी इंडिया में, इंडियन सिनेमा, वो थी राजा हरीशचंद्र, हरीशचंद्र। साइलेंट मूवी का मतलब है जो इसमें आवाज़ नहीं होती। ठीक है, ये जो इसके जो डायरेक्टर थे वो दादा साहब फाल्के थे। एक्चुअली इनका नाम था डुंडी राज गोविंद फाल्के। क्या नाम था? डुंडी राज गोविंद फाल्के। फिर इनको क्या कर दिया, दादा साहब फाल्के के नाम से इनको, इनका निकनेम रख दिया। इन्होंने पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र साइलेंट मूवी बनाई थी 1913 में। ठीक है, 1913 में इन्होंने बनाई थी, और इसीलिए इनको, इसीलिए इनको सिनेमा जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है इनको। अगर ये क्वेश्चन आ जाए हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा, तो आपको क्या मार्क करना है? दादा साहब फाल्के। ठीक है, चलिए। व्हेन इज द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 8 मई। एक हमारा, मैं बता दूं इसके बारे में, एक हमारा क्या है बच्चों, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है, इंटरनेशनल कमेटी, कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। ठीक है, क्लियर। तो
ये क्या करती है, कमेटी क्या है, जनेवा में स्विट्जरलैंड एक देश है, उस स्विट्जरलैंड देश में एक शहर है जनेवा, उसमें है ये जनेवा, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर वहाँ पे है, और हेनरी डोनांट इसके, हेनरी डोनांट इसके संस्थापक है, फाउंडर है, उन्हीं के जन्मदिन पर ये दिया जाता है। जो विभिन्न देश हैं उनमें शांति बनाए रखना, रेड क्रॉस का मतलब है हेल्प करना। रेड क्रॉस का इसका मुख्य काम क्या होता है, रेड क्रॉस मतलब ये संस्था क्या करती है, जो नीडी नीडी पर्सन होते हैं, ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनकी मदद करती है, ठीक है, क्लियर। तो बस आपको ये याद रखना, ये आपकी रुचि के लिए मैंने बताया है, क्लियर। आप इंटरनेट पर जाके बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं अगर आपको बहुत डिटेल में चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता डिटेल से आपका कुछ होने वाला है। सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन इतना है कि आपके एग्जाम के लेवल से वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, 8 मई को, कौन मनाता है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और ये करता है, हेनरी डोनांट इसके संस्थापक है, ठीक है बच्चों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये हमारा पार्ट 10 था, मैं पार्ट 11 जल्दी ही लेके आऊँगा, तब तक मेहनत करिए, पढ़िए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।